करता हूँ कानून में, और कानून की मैं इज्जत करता हूँ। कानून का ये समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोग कानून का इज्जत करते हैं। और कल थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, इसके लिए मैं एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक और मैं मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार पे जो अगजनी की घटना हुई है कल, तो आप ही बताइए कि वह पीड़ित परिवार जाकर ऐसा कृतज्ञ वहां पर करेगा, जाकर घर पे जाकर पुआल जलाएगा और ट्रैक्टर जलाएगा जिसके परिवार के चार चार लड़के मारे गए हैं, वह परिवार ऐसा काम करेगा? कुछ असामाजिक तत्व लोग बिल्कुल ऐसी घटना किए हैं। तो मैं गौरव मंगला जी से बस यही कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन उस पीड़ित परिवार को परेशान न किया जाए। पहले ही घटना घट चुकी है, उनके घर के जो लड़के हैं उनके करेजे के टुकड़े, उनको बुरी तरह से निर्मम हत्या किया गया, लाठी से पीट पीट कर। पूरा समाज वीडियो में देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि किस तरह मारा गया है और किस तरह। मैं प्रशासन का बहुत ही 144 धारा का मैं इज्जत करता हूं, और ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता वहां जाने का, मैं जाऊंगा जरूर। लेकिन प्रशासन मुझे आश्वासन दिया है, वरीय पदाधिकारियों से आज मुझे बात हुई है, छपरा डीएसपी साहब से, जितने भी वरीय पदाधिकारी सारण के सब लोग से फोन पर बातचीत हुई है। माहौल को शांत करने के लिए मैं भी सभी लोगों से अपील करूंगा कि कानून पर भरोसा रखिए, और कानून मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा, और उस समाज के जितने भी लड़कों की हत्या हुई है कानून कहीं ना कहीं से उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेगी, और गिरफ्तारी करके उचित कार्यवाही करके स्पीडी करके हम लोग सभी फांसी के साथ। मैं तो कभी भी जिंदगी में कभी जात पात नहीं करता हूँ, जितना मुझे राजपूतों से प्यार है उतना जादवों से भी प्यार है। लेकिन अपराध और अपराधी, जो अपराध करता है ना वो किसी का जात होता है ना किसी का पात होता है। मुझे आज भी उम्मीद है कि अपराध किसी का जात नहीं होता है, कोई पात नहीं होता है। मुझे उम्मीद है सारण के सभी बरिया जादवों ने तौर से कि आप लोग भी उस परिवार पीड़ित परिवार के पास जाए और जाकर उनकी सहयोग करें, और जो लड़का हॉस्पिटल में जी मर रहा है उसका मदद किया जाए। मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं यहां पर कोई गोली बंदूक थोड़े चलाने जा रहा था, मैं जा रहा था उस परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। घटना तो घट गई बिल्कुल, लेकिन हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए थे कि हम लोग जाते हैं वहां पर जाकर उसको आर्थिक रूप से मजबूत, उसमें बेटी बहन है, माँ है, बहुत गरीब परिवार है, और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, किसी के बाप के कलेजे को जिस तरह चीर चीर कर रख दिया गया है, थोड़े जादव परिवार समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मुझे मालूम है अगर आपके साथ भी ऐसा घटना घटता है तो हम लोग भी ठाकुरों कभी उसका समर्थन नहीं करेंगे, सभी लोग हम लोग एक है, और समाज में शांति का संदेश देंगे, वो लोग भी शांति का संदेश दे, हम लोग भी शांति का संदेश दे। कुछ असामाजिक तत्व जो आग लगाना चाहते हैं सारण की धरती पे, मैं उन लोगों का कभी समर्थन नहीं करता हूँ। जितने भी मेरे बुद्धिजीवी गार्जियन लोग हैं उन सभी लोग से आग्रह पर, सभी लोग के निवेदन पर, सभी लोग के समझाने पर हमने वहां का कार्यक्रम, मैं सभी नौजवान साथियों का, बिहार के अलग अलग हिस्से से बहुत सारे नौजवान साथी अभी वहां पहुंचते हैं, मैं सभी लोग से कहूंगा कि प्रशासन के मान कानून व्यवस्था का इज्जत किया जाए, और कानून व्यवस्था अगर 72 घंटे अगर के अंदर उनके परिवार में से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे बड़ी संख्या हम लोग वहां जाएंगे, और गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसकी मांग हम। सरकार, मुझे मालूम है कि बड़े भाई जदयू के नेता संजय भैया, मुझे कल संजय भैया से बात हुई, वो गए थे वहां पर, उस लड़के का फर्द बयान हुआ है, और जो भी उसमें आरोपित थे सबका नाम संजय भैया ने दिलवा दिया है। संजय भैया ने मुझे आश्वासन दिया है कि कल भी मेरी बात हुई, काफी देर तक बात हुई, सरकार के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हर संभव पे सुधीर उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनपे उचित कार्रवाई होगी। शर्म आता है, सबसे बड़ी शर्म आता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजपूत यादव के विधायक, मुझे शर्म आता है कि आप लोग लीडर हो और आप लोग जो बोलते हो उससे समाज चलता है, और आप ही लोग गलत और सही का आकलन नहीं करोगे, आप लोग अपने आंख से देख रहे हो कि वीडियो में किस तरह से बुरी तरह से मारा गया है, चाहे वो जादो के नेता हो चाहे वो राजपूत के नेता हो, उनके आंख में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान ने उनके आंख को छीन लिया है कि उनको आंखों से दिख नहीं रहा है। ये मेरे रिपोर्ट के अनुसार कि ये बिल्कुल गलत आरोप है उन नौजवानों पे, उसमें से किसी भी नौजवान का आपराधिक इतिहास नहीं है। एक लड़का जो है वो छत्तीसगढ़ में पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और किसी का भी आपराधिक इतिहास अगर हो तो उन मुखिया पति का बात को जरूर सुना जाएगा, लेकिन मुखिया जी के पति का कहीं ना कहीं आपराधिक इतिहास है। वो अपने भावना में बोल रही है। अब बहन, मैं कल भी बता चुका हूँ कि हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, देख लो तुम्हारा भाई सब कितना इकट्ठा हुआ था, और हम लोग जरूर वहां जाते तो वहां पर तुम्हारे न्याय के लिए, तुम्हारे लिए हम लोग जरूर अपील करते हैं, और समाज से अपील करते हैं, सभी लोगों से अपील करते हैं, और वादा करते हैं कि तुम आपके दरवाजे पर आएंगे, और जितना भी हमसे आर्थिक मदद होगा मैं मदद करने में विश्वास रखता हूँ। मतलब अभी चूड़ी आप लोग नहीं पहना? नहीं, हम लोग कोई राजपूत समाज चूड़ी नहीं पहना है, जरूरत पड़ने पर यह समाज विरोध करने के लिए तैयार है, और गलत को गलत कहने से कोई समाज का लड़का पीछे नहीं हट सकता है, हम लोग गलत को गलत कहेंगे। अंत में क्या कहेगा? अंत में ये निहोरा करेंगे सभी समाज के लोगों से कि प्रशासन से मुझे आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस घटना पे कार्रवाई होगी, और 144 का जो
खत्म होगा वैसे ही हम लोग फिर हम जाएंगे उस परिवार को और कोशिश करते हैं कि रूमन में उनसे मुलाकात करके उस परिवार को आर्थिक रूप से जो हम लोग इकट्ठा किए थे उनके लिए धन, उस धन को हम लोग उस परिवार के पास पहुंचा दें कि हमारा भाई जो एक मौत से जूझ रहा है उसकी जान बचे। यही हमारी